स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की सांसों के साथ ही भारतीय गीत संगीत का स्वर्णिम युग भी रविवार को थम गया। आज पूरा देश लता दीदी के इस दुनिया को अलविदा कहने पर शोक में डूबा है। आवाज जिनकी पहचान थी, पूरी दुनिया जिस आवाज की कायल थी, आज वही सुमधुर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। रविवार की सुबह उनके निधन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और पूरा देश शोक में डूब गया। लता दीदी को कई नाम मिले, उन्हें स्वर सरस्वती, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, स्वरांजलि सहित और भी कई सम्मानजनक नाम मिले थे, पर असल में उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। आज भले ही लता दीदी हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके तरानों में जिंदा रहेगी और उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेगी। आज उनका दुनिया से चले जाना विधि का विधान ही है। लता दीदी ने बरसों तक जो सुर साधना की, वह आने वाले कई दशकों तक अमिट छाप की तरह गुंजायमान होती रहेंगी। किन शब्दों में इस दुख का बयान करें? संगीत जगत स्तब्ध है, स्वर कोकिला भारत रत्न सद्धे लता मंगेशकर जी का निधन हम सबके लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है। लता जी एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व की मालिक थी कि हम जैसे संगीत के छोटे मोटे साधकों के लिए माँ सरस्वती से कम नहीं थी। हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। कल बसंत पंचमी था, उसमें हमने माता को मन से पूजा अर्चना हम लोगों ने की और उनसे निवेदन किया इनकी लंबी आयु का, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। आज लता मंगेशकर हम सबको छोड़ गई। मेरी अश्रुपूर्त श्रद्धांजलि है उनको, हम नमन करते हैं। हम संगीत बिरादरी के लोग एक तरह से अनाथ हो गए। ओम शांति। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके रूप में एक नया हीरा हमारे देश ने खो चुका है, हम खो चुके हैं। उनका जाना हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे दिलों में सदियों तक राज करेगी। आज सुबह सुबह अत्यंत हृदय विदारक सूचना हमें मिली, भारत रत्न स्वर कोकिला मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। यह मेरे लिए, संगीत बिरादरी के लिए, संपूर्ण जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभवतः हो पाए। लता जी ने संगीत के माध्यम से जो योगदान दिया है पूरे विश्व को, वो शायद ही कोई भुला पाए। मैं उन सौभाग्यशाली कलाकारों में से हूं। मुझको 1991 में लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से नवाजा गया, जो कि मुझे सुविख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक श्री ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने प्रदान किया। जैसा कि लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता जी साक्षात सरस्वती जी का अवतार थी, तो देखिए एक ऐसा संयोग है। कल ही हम सबने बसंत पंचमी की पूजा की है और बसंत पंचमी के अगले दिन मां सरस्वती का विधिवत विसर्जन किया जाता है, और आज बसंत पंचमी का अगला दिन है। लता जी ने अपने पार्थिव शरीर को हम सभी से विलग कर लिया, तो मैं कहूंगा कि वास्तव में वो सरस्वती का अवतार थी। मैं उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपनी शरण में ले, तथा उनके परिवार को
इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।